आगे वाले व्हील में हमने पूरा हाफ ही लगाया हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हो पूरी जो इसकी पूरी जो लुक मतलब पूरी सही तरीके से बन गई है। तो इसमें जो प्लेटिंग ऊपर जो इसका स्पीड हंटर का जो लोगो वगैरह लगाया था वो भी फिट वगैरह कर दिया है। तो कैसे अभी यहाँ पे देख लो अभी काफ़ी सारे यहाँ पे जो ये लोग हैं यहाँ पे अभी आ चुके हैं यहाँ व्यू पॉइंट पे। तो भाई हमने भी यहाँ पे पार्टी वगैरह करी है, तो बस यही है कि हमने ड्रिंक ड्रुंक वगैरह कुछ नहीं करी है, तो ना ही हमने कोई यहाँ पे कोई गलत तरीके कोई एंजॉयमेंट वहाँ पे किए हुए हैं। सेफ रहो। तो अभी जो बाइक की लुक कुछ इस तरह से लग रही है, तो यहाँ पे देख लो मतलब ये वाला जो लुक है बाइक ये वाली आ रही है। देखो ये प्लेटिंग ऊपर भाई जो ये वाला जो ग्राफिक्स वाला जो काम है ये भाई देख रहे हो, तो भाई जो स्पीड हंटर की जो ब्रांडिंग है ये इसके ऊपर होने वाली है। तो भाई आगे वाला जो लाइव व्हील में जो जो व्हील ड्राइव ओरिंग कलर का इसमें होने वाला है भाई। तो गाइस अभी पीछे वाले जो लाइव व्हील में उसके ऊपर जो रैप वाला काम कर रहा है भाई, उसमें ये दो तीन कलर का उसमें ओरिंग का थोड़ा वाला जो शेड है वो आएगा। चलो भाई पहले इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसकी जो पीछे वाले लाइव व्हील की सेटिंग किस तरह से आएगी। वैसे स्पीड हंटर की जो ब्रांडिंग भाई हो चुकी है, वैसे हमारा जो रैप है पूरा कटिंग ये भी हो चुका है। वैसे अभी उसका जो पेस्टिंग वाला काम है भाई वो स्टार्ट करते हैं। सो वैसे आगे वाला अलॉय व्हील में यहाँ पे जो ब्लैक और ओरिंग लगे पूरा यहाँ पे रैप लगाया हुआ है, इसको जो व्हील टैप के उसको व्हील टैप लगाया हुआ है। तो अभी इसके दूसरे वाले साइड यहाँ पे चेक करवाते हैं, आपको इसकी लुक जिस तरह से लग रही है हम देख रहे हैं। तो वैसे पीछे वाला अलॉय व्हील इसका उल्टा हो गया वहाँ सिस्टम, यहाँ पे देखो जो व्हाइट और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे बोल दिख रहे हैं। तो इसकी जो अपोजिट वाली साइड यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रही है, तो ये लुक उसकी आ रही है फिलहाल इस तरह से। इसकी लुक का जो मतलब अब लग रही है फिलहाल अभी दिखे इसका क्या क्या करना है चेक कर लो भाई देख रहे। ओके सो गाइस आगे वाले व्हील में हमने पूरा हाफ ही लगाया हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हो पूरी जो इसकी पूरी जो लुक मतलब पूरी सही तरीके से बन गई है। तो इसमें जो प्लेटिंग ऊपर जो इसका स्पीड हंटर का जो लोगो वगैरह लगाया था वो भी फिट वगैरह कर दिया है। सो कैसे यहाँ पे देख रहे हो जो साइड वाले यहाँ पे जो रेडिएटर का कवर है और जो अंडर जो इंजन वाले बेली है इसके ऊपर दोनों के ऊपर रैप करके उसके ऊपर जो ग्राफिक्स वाला काम है पूरा करते हैं। यहाँ पे ड्यू का लोगो लगाया और यहाँ पे लगाया KTM का। तो कैसे यहाँ पे जो हमने व्हील पे जो रैप लगाया था, तो यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे ड्यू की ब्रांडिंग में रैप कर दी यहाँ पे, क्योंकि बैक वाले पैनल पे हमने क्या किया पूरा जो स्ट्रिप है पूरी यहाँ पे पूरी लगा दी है। तो आगे वाले जो व्हील में हमने कैसे अभी जो फिटिंग करके इसकी जो लुक है ना कुछ, तो भाई कुछ इस तरह से लग रही है देख रहे हो। तो कैसे आगे वाली हेडलाइट भाई इसके ऊपर जो स्मोक वगैरह करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो भाई कमर शेप में जाके बताना इसकी लुक आपको आपके तरीके से जैसे आप बोलोगे हम वैसे इसके ऊपर पूरा रैप वगैरह करेंगे, इसको डिज़ाइन ऊपर पूरा वैसा सेम टू सेम करेंगे। अगर आप बोलते हो कि आगे वाले अलेवल में जैसे व्हील वगैरह लगो तो पीछे वाले में लगाना चाहिए तो भाई वो भी लगा देंगे। तो आगे वाले जैसे ये देख रहे हो ये आगे वाला जो स्पीडोमीटर है भाई इसके ऊपर हमने जो ब्लैक कलर का जो PPF होता है वो डार्क वाला इसके ऊपर कर दिया हुआ है। तो कैसे इसका क्या होता है कि इसके ऊपर करने से ना भाई स्क्रैच वगैरह भाई वो नहीं पड़ते हैं भाई मीटर के ऊपर, क्योंकि इतनी महंगी कॉस्टली चीज़ होती है भाई। दूसरे वाले साइड से यहाँ पर ये चेक कर लो भाई हैंड गार्ड वगैरह पूरा यहाँ पर लग चुके थे, साइड से इसकी लुक कुछ इस तरह से आ रही है जहाँ पर देख लो साइड पर। तो अंकुश भाई भी यहाँ फिलहाल दूसरी वाली जो बाइक का काम फिलहाल वो उनका काम चल रहा है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में इसकी जो लुक मतलब ओवर देन पूरी डन लग रही है। तो बाकी इसके जो अभी सिनेमैटिक है वो एंजॉय करते हैं। चाचे सो गाइस आज की जो हम भाई हम करने एंजॉयमेंट करने हैं भाई 31st की। तो भाई अभी हम आए हमारे मानसर वाली साइड पे, तो वहाँ पे भाई जबरदस्त वाली इसकी जो जो लुक है ना वहीं पे हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो भाई हमारी जो पार्टी है भाई कोई मतलब कोई ड्रिंक ड्रुंक वगैरह या कोई नॉनवेज वाली नहीं है, हमारी जो सॉफ्ट एंड बिल्कुल लिमिट वाली जो हमारी पार्टी है जैसे कोल्ड ड्रिंक और खाली चिप्स वाली। बाकी यहाँ पे देख लो भैया ने भी पकड़ी है भाई यहाँ पे चिप्स और हमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो यहाँ पे हमारा भुजिया और हमारा जो हमने भी यहाँ पे पार्टी वगैरह करी है, तो भाई यही है कि हमने ड्रिंक ड्रुंक वगैरह कुछ नहीं करी है, तो ना ही हमने कोई यहाँ पे कोई गलत तरीके कोई इंजॉयमेंट वहाँ पे किए हुए। सेफ रहो, को भी सेफ रखो। तो हमारे आदित्य भैया कुछ बोलना चाहते हैं, आदित्य भैया क्या बोलो? तो यही बोलना चाहता हूँ कि खुद भी सेफ रहो और दूसरों को भी सेफ रखो। सिंपल तरीके से और भाई अपने फैमिली का सबसे पहले अपने फैमिली का ध्यान रखो, क्योंकि फैमिली का क्योंकि कुछ क्या है आजकल के जो यूथ है वो क्या करता है कि घर से मतलब जूठा बहाना लगा के हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ वहाँ जा रहे हैं,
तो कुछ हादसा वगैरह हो जाता है तो चैनल का। तो बाकी अभी हम पहुंचने वाले हैं अपनी गाड़ी के पास, तो ये चेक करो भाई ये कहाँ रह गए दोनों भाई। तो भाई यहाँ पे देखो अंकुश भाई, अंकुश भाई जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी। ये देखो सचिन भाई थक चुके हैं भाई, अंकुश भाई फोटो सेना वगैरह खींचते हुए। इंजॉयमेंट भी हमारा पूरा हो गया, घर भी आराम से जाएंगे, सेफ होके जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। तो वैसे हमारे यहाँ पे जम्मू में मानसर जो जगह है भाई, यहाँ पे बड़ी अच्छी यहाँ पे घूमने वाली जगह है, मैं काफ़ी चीज़ें जो यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अभी देख सकते हो यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हैं, यहाँ पे पूरी फैमिलीज वगैरह यहाँ पे आती है। तो भाई यहाँ पे आप आ सकते हो, यहाँ पे जो आज की इंजॉयमेंट है भाई यहाँ पे आप कर सकते हो। तो बाकी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये देखो भाई थम्स अप और जो उसकी आलू भुजिया की पार्टी चल रही है। तो भाई ये लगी हमारी गाड़ी सामने, तो भाई भी क्या करना है अभी चलना ना वहाँ पे जगह चक्कर चक्कर लगाना है। चलो थोड़ा चक्कर चक्कर मारते हैं फिर। चलो भाई फिर चलते हैं भाई वहाँ पे। तो वैसे अभी हम पहुँच चुके हैं भाई यहाँ पे, अभी यहाँ पे देख सकते हो। तो भाई लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये देख रहे हो। बाकी यहाँ पे अपने लोग इंजॉयमेंट करते हो भाई यहाँ पे अपने। तो वैसे अभी यहाँ पे देख लो, अभी काफ़ी सारे यहाँ पे जो ये लोग हैं यहाँ पे अभी आ चुके हैं यहाँ व्यूज पॉइंट पे। भाई यहाँ पे जो इसकी लुक है ना ये चक्कर हो, पहाड़ों की भाई बात ही अलग है, यहाँ पे देख रहे हो। तो गाइस यहाँ पे हमारी जो 31st की जो इंजॉयमेंट है भाई बाकी वो चल रहा है यहाँ पे। तो भाई गाड़ी भी वहाँ पे लग चुकी है, बाकी यहाँ के जो व्यूज़ है ना आदित्य भाई क्या बोलते हैं इसके व्यूज़ के बारे में थोड़ा, जो हमारे जम्मू के बारे में अभी ऑसम ही है। अच्छा हमारे जम्मू की कोई बात है ही नहीं। अंकुश भाई कैसे लग रहा है भाई, जैसे जैसे हम लोग ऐसी जगह ना मैं भी कोई हूँ, ठीक है सिंपल। तो गाइस अगर आपको कोई भी 31st या कोई भी अपने ओकेजन में अगर आपको कोई भी चीज़ सेलिब्रेट करना हो तो आपको क्या करना चाहिए, मतलब एक सोबर सिंपल तरीके से उसको हर चीज़ को इंजॉयमेंट करना चाहिए, और जैसे हम लोग भैया यहाँ पे कर रहे हैं। तो बाकी यहाँ पे देखो पूरी फैमिली जरा यहाँ पे आ चुकी है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे भाई श्रोमी मोटिवर के यूट्यूब फैमिली जितनी भी है भाई सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। सो गाइस भगवान करे आपकी लाइफ में जो नया वाला साल है वाला हंसते खेलते यूँ ही गुजर जाए, और आपके लिए जो अच्छी से अच्छी जो मोमेंट है वो आपके लिए लाए। तो गाइस स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खाते पीते रहो, यूज प्यार बरसाते रहो। तो गाइस अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं फिर न्यू अच्छी सी मॉडिफिकेशन के साथ, तो फिर साइनिंग ऑफ रोमी मॉडिफाइड। असी ठोक दे नहीं बंदा कदे टाइम बन के नहीं बंदा टक लैने घरों चक लैने मिलो अख लाल रखी पाड़े अख लैने ने फिर शक पेंदे जे को करदा कदारी साडे नाल पुत्र बैर नाले यारी दोवें माड़ी।